हेलो दोस्तों, टेक सपोर्ट्स इन में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, डार्क मोड या फिर नाइट मोड फीचर्स, अब हर एक स्मार्टफोन में डार्क मोड फीचर दिया जाता है और ये इनबिल्ट फीचर अभी अलग अलग ऐप्स में ये फीचर्स दिखाई देता है। तो ये फीचर्स आजकल ये काफ़ी ट्रेंडिंग में है और हर तीन में से एक लोग ये डार्क मोड फीचर यूज़ करते हैं। तो डार्क मोड फीचर्स आपका नाजुक आँखों के लिए काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। तो डार्क मोड फीचर ऑन होने के बाद मोबाइल का डिस्प्ले डार्क हो जाता है, जिससे कि कम रोशनी आपका आँखों में जाता है और ज़्यादा देर तक आप फ़ोन बिना ताके इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन डार्क मोड जहाँ आपका बैटरी का कंजम्पशन, बैटरी यूजेज काफ़ी कम कर देता है, तो वही ये डिस्प्ले का ऊपर, अलग अलग के ऊपर ये डिपेंड करता है। जैसे कि LED डिस्प्ले, OLED डिस्प्ले, AMOLED डिस्प्ले की टाइप के ऊपर ये डिपेंड करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक एक स्क्रीनशॉट लेने में डार्क मोड में जितना पावर कंजम्पशन होता है, इससे 65% कम कंजम्पशन डार्क मोड में होता है। तो ये स्क्रीनशॉट, सेम स्क्रीनशॉट लेने में डार्क मोड में काफ़ी कम पावर लगता है। तो इसी हिसाब से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि डार्क मोड फीचर्स फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, लेकिन ये आपका आँखों के लिए ये खतरनाक साबित होता है। जहाँ डार्क मोड फीचर्स दिन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, वही रात के लिए ये फीचर्स काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। अगर आप लंबे समय तक डार्क मोड फीचर्स यूज़ करते हो तो आपका आँखें यही फीचर्स, यही जो लाइट है, यही डार्क मोड फीचर्स का जो लाइटिंग्स है, ये लाइट एडॉप्ट कर लेता है और वाइट कलर का टेक्स्ट पढ़ना ज़्यादा बेहतर लगता है। लेकिन जब आप डार्क मोड से लाइट मोड पे जाते हो तो आपका आँखों पर यह असर पड़ने लगता है और आँखें कमज़ोर पड़ने लगता है। डार्क मोड फीचर्स आपके आँखों की बीमारी का कारण बन सकता है। लाइट से डार्क टेक्स्ट स्विच करने पर आपके आँखें अचानक इस चीज़ को एडॉप्ट नहीं कर सकता और ऐसे में ब्राइट बर्न की स्थिति भी देखे जा सकते हैं। अमेरिकन ऑप्टोमेट्रिक एसोसिएशन के मुताबिक डार्क मोड फीचर्स यूज़ करने वाले लोगों में अब एस्टिगमेटिज्म बीमारी सामने आ रही है, जिसमें एक आँख या फिर दोनों आँखों का कॉर्निया का शेप चेंज होने लगता है और बर्निंग होने लगता है, जिसकी वजह से लोग व्हाइट बैकग्राउंड पर ब्लैक टेक्स्ट के मुकाबले ब्लैक बैकग्राउंड पर व्हाइट टेक्स्ट को ज़्यादा आसानी से देख सकता है। डिस्प्ले व्हाइट होने पर आइरिस छोटा हो जाता है, जिससे कम लाइट आँख पर जाता है, और डिस्प्ले डार्क होने पर उल्टा होता है। ऐसे में आँखों के फोकस पर असर पड़ता है। आँखों पर डार्क मोड वजह से अगर कोई नुकसान होना नहीं देना चाहते हो तो बीच बीच में दोनों मोड, लाइट मोड एंड डार्क मोड, दोनों मोड स्विच करते रहना चाहिए। जहाँ तक पॉसिबल हो दिन के टाइम में डार्क मोड का फीचर्स यूज़ करना काफ़ी अच्छा रहता है, तो वही रात के टाइम में लाइट मोड का फीचर्स यूज़ करना बेहतर साबित होता है। इससे आपका आँखों के बैलेंस संतुलित रहता है और डिस्प्ले की ब्राइटनेस हमेशा कम करके रहना चाहिए, तब आँखों के परफॉर्मेंस बैलेंस रहता है और आपका नाजुक आँखें संतुलित रहता है और फोकस भी ठीक रहता है। तो डार्क मोड फीचर जहाँ फ़ोन के लिए काफ़ी अच्छा साबित होता है, तो वही आपका आँखों के लिए ये काफ़ी लंबे समय से अगर यूज़ करते हो तो आपका आँखों के लिए ये काफ़ी ख़तरनाक साबित होता है। डार्क मोड फीचर्स आपका कॉर्निया का शेप अजीब सा कर देता है, तो डार्क मोड फीचर्स और लाइट मोड फीचर्स दोनों बीच बीच में स्विच करते रहना चाहिए, तब आपका आँखों का जो बैलेंसिंग है ये ठीक रहेगा। सुझाव ये रहेगा कि पॉसिबल हो तो दिन के टाइम में डार्क मोड फीचर्स ऑन रखें और रात के टाइम पे लाइट मोड का फीचर्स ऑन रखें। तो वीडियो अगर अच्छा लगता है आप लोग तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो थोड़ा भी आपका काम का लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।